इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट्स, तेलुगू, इंग्लिश जितने भी हमारे यहाँ प्रेस के हैं उनको सलाम कर रहा हूँ। आज जो हमारी बोर्ड मीटिंग एमडी शफीउल्लाह साहब और सेक्रेटरी फाइनेंस और अपने डेवलपर जो मजलिस साहब के प्रेस पे हमारे सेक्रेटरी साहब आए थे, आज जो बोर्ड मीटिंग 15-16 के जो बजट में उसका हम लोग पेश करेंगे। हमारा जब से जब आएगा जल्द से आप लोगों को हम लोग नोटिफिकेशन देंगे जल्द से। और जो घुसता जो लाखों में ऐसा एप्लीकेशन है वैसा तैयार नहीं हुआ, और खास हम माइक्रो फाइनेंस भी लेडीज के भी इंशाल्लाह प्लान किया जा रहा है, वो भी क्योंकि यहाँ पर यहीं पर तेलंगाना हैदराबाद बल्कि जिस लोग लोन ले रहे हैं उसको 12% के जरिए इंटरेस्ट फाइनेंसर्स जा रहे हैं, उस फाइनेंसर्स के मुंह तोड़ जॉब के लिए हुकूमत से प्लानिंग बनाएंगी कि माइक्रो फाइनेंस में खासतौर लेडीज को उसके ऊपर रखेंगे, जो भी इसका मार्जिन मनी रहेंगी इसके ऊपर जो भी काम करेंगे 2-3% पे हम इंशाल्लाह वो भी गवर्नमेंट साहब में रखेंगे, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसलिए हुकूमत हमेशा अब देख रहे हैं 80% हम लोग विदाउट इंटरेस्ट के दे रहे हैं। इस तरह माइक्रो फाइनेंस में भी जो भी वर्क रहेगा उसके हिसाब से माइक्रो फाइनेंस दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं हम, तो विदाउट इंटरेस्ट हम चाह रहे हैं ना। अच्छा, तो वो लोग कहें इंटरेस्ट दे तो इंटरेस्ट कौन देते, लोन दिए तो नहीं दे रहे। तो सर सीएम साहब से भी ये भी मशवरा था, इंशाल्लाह मैं सीएम कल सीएम साहब जा रहे, कल सुबह मैं भी जा रहा हूँ, नकवी साहब से भी वहाँ पर जिगर उनसे मिल के इसके बारे में गौर करेंगे इंशाल्लाह। ఫైనాన్స్ తరఫు ముఖ్య ఆఫీసర్స్ వచ్చాను, ఎందుకంటే గతం 3 నెలల కింద నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన 3 నెలలు మార్చి తర్వాత ఒకసారి అయింది, సెకండ్ టైం అయింది ఈ బోర్డులో, ఎందుకంటే ఈ దీనిలో 69 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో 4836 మందికి మనం తెలంగాణలో బీద ప్రజలకు లోన్ ఇచ్చిన దానిలో 68 కోట్లు 96 ग्रुप जो जैसा डाकरा ग्रुप जो ग्रुप है ना, उस तरह भी इसमें भी लेडीज खास मुस्लिम माइनॉरिटीज के ग्रुप बनाएंगे, और उसके जरिए ये बात उन लोग उनके किसको भी दें दो उनको दिए तो बेनिफिट भी, उनको जो रिस्पांस जो बिजनेस रोटेशन रहेगा उनको लोग दिए तो भी रिटेन आएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो प्लान है कि इंटरेस्ट के लिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी रहेंगे इंशाल्लाह वो भी करेंगे। उर्दू अकाडमी से जो भी हम लोग प्लानिंग कंप्यूटर्स में लाइब्रेरीज में रहें दो, इसके बाद जो भी बजट आएगा वो कंप्यूटर्स को और लाइब्रेरीज को बराबर करेंगे। अभी एक मसला उर्दू अकाडमी के ऑफिसर्स का जो इम्प्लॉयमेंट्स जो उर्दू अकाडमी से हमने माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन में मैच किया गया था उनको भी, उनका भी जो भी सैलरीज का हम दो और उनके जो भी मसाइल हम दो हुकूमत चीफ मिनिस्टर के पास सबके पास ले आएंगे, वो मसाइल जल्द से हल करेंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 15-20 साल से जो काम कर रहे हैं तो उनका एक ही डिमांड है 15-20 साल से करें हमको रेगुलर नहीं करे, 6 महीने से करे सवाल हमको रेगुलर करे, उसके ऊपर भी हम लोग इंक्वायरी लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जिसका हक है उनको हक के लिए बराबर दिलाएंगे, क्योंकि वो जो 6 महीने से कर रहे हैं कोई भी रहें तो उनको परमानेंट करे, हमारे को नहीं करे, हमारे को 8 से 10-12 हज़ार वो दिया जा रहा है, और कल आउटसोर्सिंग में बोल के हमारे ऊपर एक पब्लिसिटी करके आउटसोर्सिंग कराएंगे तुम्हारे, जो हम लोग इतने साल से कर रहे हैं उर्दू अकाडमी से जो भी डिपार्टमेंट में मैनेज मैच किया गया उस डिपार्टमेंट हमको खाली हमारे धमकी दे रहे हैं तुम्हारे कल से वैसा नहीं रहेगा, आप लोग इतने साल से काम कर रहे हैं हम हुकूमत के पास लेके नहीं गए, और जो भी वहाँ पर किसकी भी पैरवी कर ले कि लोग 5-6 महीने में हम तो साल में तो जो रेगुलर हुए उनको पर भी हम CBI इंक्वायरी को भी लगा के हम चीफ मिनिस्टर साहब के हमें रख के इनका हक बराबर दिलाएंगे। 4 करोड़ 58 में से 4 करोड़ 11 4,58,000 रुपये दिया गया, और अपने उर्दू अकाडमी को 3 करोड़ रुपये का था वो 15-16 का दिया गया, उसमें सैलरीज उसमें रेंट्स लाइब्रेरीज और सब था, क्योंकि इसलिए अब बजट का प्लान ये बोर्ड के बाद गवर्नमेंट को भेजा गया है, सबसे पहले हमारे ट्रांसपोर्ट वहीकल्स पे दिया जाएगा, जल्द से जल्द 1 वीक में बजट आएगा था, जो भी पेंडिंग्स जो भी लोन्स है वो लोन्स को पूरा ख़त्म करे, बस 17 के लिए नया प्लान बनाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, इसको पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे, जितने भी हमारे CM KCR साहब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वहीकल्स को देने के लिए देख रहे हैं, जो शिफ्ट डिज़ायर उसको हमको एक डिस्ट्रिक्ट वाइज में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के इसमें कमेटी डाली जाएगी, उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय जो भी DMW होंगे और दूसरे ऑफिसर्स को उसको रखा जाएगा, उसके बाद फाइनल होगा, और जो कैंडिडेट का नाम जो उसको बैच रहेगा उसको भी दिया जाएगा, और भी इम्प्लॉयमेंट्स में 80% जो सब्सिडी जो हर वक्त डिस्कशन चल रहा है कि बैंकर्स हमको सता रहे, ये हम CM साहब के पास लेके जाएंगे इंशाल्लाह, CM साहब डायरेक्टली जो 80% दे रहे हैं वही तौर पर हमको दिया तो बहुत अच्छा रहता, बल्कि पूरे आवाम का भी यही है
बोर्ड में ये डिस्कशन चला, इंशाल्लाह करीब सीएम साहब के बाद मिले बाद उनसे से ये डिसीजन हो जाएगा और आवाम को भी खुशी होगी, क्योंकि बैंकर्स के पीछे फिर के कई सालों से ये आज से नहीं 70 साल से चला। इंशाल्लाह ये भी एक नया एक तारीखी नया दिन रहेगा, क्योंकि जो आज जो आवाम जो भी जो लोन लेती है वो उसी को गरीब आवाम रहती, और गरीब आवाम के लिए हमारे सीएम साहब हमेशा सोच रहे हैं, सीएम केसीआर साहब उस तरह ही जितने भी लोन्स रहेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द लोन आवाम के लिए मिलेगा, उसका नोटिफिकेशन भी हम जल्द से जल्द अमाउंट हमारा रिलीज जब भी एक्शन प्लान बनेगा उस एक्शन प्लान के जरिए आप लोगों के जरिए ऐलान किया जाएगा, उसके जरिए वहाँ पर जो लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन जो भी करेंगे और उसमें खासतौर जो भी ये लोन्स स्कीम्स रहेंगे इसमें कोई भी बीच में कौन भी ब्रोकर आए तो उसको हम लोग पहले हम ऑफिसर्स को भी अलर्ट करेंगे, जो भी वो ब्रोकर्स आके आप लोगों के जरिए आएंगे तो ब्रोकर के जरिए आए सालों को किसी को भी कोई स्कीम में हम फायदा होने नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए गुस्टा कई सालों से कई लोग लोन लेते हैं, लोन के पीछे उसमें 30% 40% जो ब्रोकर बात कर लेते हैं, और खासतौर हम जहाँ भी ऑफिसेस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी फाइनेंस में वहाँ पर भी कोई ब्रोकर्स नहीं आना, और जहाँ भी आप लोग आए तो हमारे जरिए हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए और नोट कीजिए के जरिए हम उनको बताइए, उनके ऊपर बराबर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इसलिए लोन लिया जाता है सिर्फ वो गरीब लोन और उसके ऊपर और आप लोग बोझ डाले तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यहाँ पर भी खासतौर में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में हमारे एम्प्लॉइज को भी ये बताया कि जो भी आ रहे हैं उनको हम बिठा के अच्छे तरीके से हम समझाना, क्योंकि उन लोग खुद एक गरीबी में एक परेशानी में आते हैं, इसलिए हम उनको बिठा के बताया कि आज 100 1000 आदमियों को हम दे रहे हैं तो भी नेक्स्ट 1000 आदमी देंगे, क्योंकि उन लोग नर्वस नहीं होना, कि हुकूमत भी ये चाह रही कि सबको खुशहाली देखना चाह रही, इस तरह मैं भी सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब रहें, डिप्टी सीएम साहब रहें, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इटारंदर साहब रहें, और KTR रामाराव साहब भी रहें, इन लोग ने हमेशा गरीब आवाम से तेलंगाना मूवमेंट से ही ये लोग लगे हुए हैं, इंशाल्लाह जितने स्कीम्स होंगे वो जल्द से जल्द आवाम के सामने पेश करेंगे।